हेलो दोस्तों, मैं हूं दीपंकर। आप लोग देख रहे हैं टेक्निकल डिसीजन। टेक्निकल डिसीजन की तरफ से आप लोगों सभी को बहुत बहुत स्वागत है। आज कौन सा टॉपिक पर वीडियो लेके आए आप लोगों के सामने में, ये तो आपको टाइटल देख के पता चल गया होगा। फिर से और एक बार हम बोल दे रहा हूँ, आज आप लोगों के सामने पर ऐसा 5 अमेजिंग ऐप के बारे में बात करने वाला हूँ जो तकरीबन 80% लोगों को इस ऐप के बारे में मालूम नहीं है। आज का वीडियो बहुत ही कमाल का होने वाली है, तो वीडियो को जरूर लास्ट तक देखिए। टाइम नहीं वेस्ट करूंगा और वीडियो को भी बड़ा नहीं करूंगा। चलिए वीडियो की तरफ आगे बढ़ती है। आगे बढ़ने का पहले मैं छोटा सा एक बात बोल दे रहा हूँ दोस्तों, अगर मेरा चैनल पर आप नया वीडियो देख रहे हैं तो जरूर वीडियो का नीचे पर जाइए, रेड कलर बटन को दबाइए और सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड पर आने वाला बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए, क्योंकि जब भी हम नया नया वीडियो अपडेट करती है तो तुरंत आपका मोबाइल पर नोटिफिकेशन पर मिल जाएगी और आप आसानी से देख सकती है। तो चलिए हम मिलता हूँ छोटा सा इंट्रो के बाद। नंबर 1 दोस्तों, इस ऐप का नाम है RTO Vehicle Information। इस जो ऐप है, इस ऐप बहुत ही यूजफुल एक ऐप है। इस ऐप से आप कोई भी बाइक हो, चाहे कोई कार हो, नंबर डाल के अपने जो नंबर प्लेट का जो नंबर रहती है वो गाड़ी का नंबर डाल के यहाँ पर उसका जो मालिक है, जो ऑनर है, उसका नाम, उसका एड्रेस, चाहे गाड़ी का पूरा इंफॉर्मेशन यहाँ से निकल सकती है। कब तक इंश्योरेंस का जो डेट है वो भी निकल सकती है। गाड़ी कब से उसको रजिस्ट्रेशन किया हुआ है वो भी आप निकल सकता है। जो ऑनर का जो एड्रेस है वो भी आप निकाल सकती है। तो कैसे करके निकालता है, जो स्टार्ट पर क्लिक कर देती है, स्टार्ट पर क्लिक कर देने के बाद यहाँ पर आपको सामने पर कुछ ऐसा वाला इंटरफेस आ जाती है। तो सिंपल से यहाँ पर मांगा जा रहा है गाड़ी का नंबर। तो मान लीजिए हम कोई भी एक गाड़ी का नंबर यहाँ पर डाल देती है किसी का भी, तो मैं वेस्ट बंगाल का हूँ, तो WB42A40 50 ये डाल देती हूँ और यहाँ पर जो सर्च वाला ऑप्शन दिया है यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकता है ओनर नेम यहाँ पर लिखा है इसके साइदुर रहमान और हीरो मोटर्स LTD ग्लामर और यहाँ पर व्हीसल इंश्योरेंस अप टू 5 मई 2015 में इसको इंश्योरेंस चला गया है और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कब किया गया है यहाँ पर देख सकता है 06 मार्च 2013 पर और व्हीसल क्लास M साइकिल स्कूटी रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी पूर्व बर्धमान RTO वेस्ट बंगाल। तो यहाँ पर आपको देख सकता है इंजन नंबर नीचे पर दिया हुआ है, 34 नंबर दिया हुआ है। तो दोस्तों इतना सारा इंफॉर्मेशन आप निकाल सकते हैं आसानी से इस ऐप को यूज करके। डिस्क्रिप्शन पर लिंक दिया हुआ है, जाके इसको चेकआउट कर सकते हैं, उसको इंस्टॉल करके आप आसानी से चेक कर लीजिए। ये बहुत ही कमाल का ऐप है और हमको भी बहुत ही पसंद आया है। नंबर 2 दोस्तों, इसका नाम है एलिट मोशन। ये एक बहुत ही पॉपुलर एक वीडियो एडिटिंग ऐप है और इस ऐप को 80% लोगों को इस ऐप का बारे में पता नहीं है। तो दोस्तों आप इसको ट्राई आउट कर सकता है, डिस्क्रिप्शन पर लिंक दिया हुआ है। तो इसका थोड़ा सा फीचर्स वगैरह हम देखा देती है और आप आसानी से इंस्टॉल करके भी आप इसको ट्राई कर सकती है। ओके दोस्तों, सिंपल से यहाँ पर क्लास वाला जो आइकॉन देखा जा रही है यहाँ पर क्लिक कर देने के बाद यहाँ पर रेगुलेशन, फ्रेम रेट, बैकग्राउंड, बहुत सारे फीचर्स यहाँ पर दिया गया है न्यू प्रोजेक्ट को क्रिएट करने के लिए। तो आप जब भी न्यू प्रोजेक्ट को क्रिएट करती है तो यहाँ पर आप सिंपल सा 4K भी यहाँ पर मौजूद है पर देख सकता है, बहुत सारे रेगुलेशन भी यहाँ पर मौजूद है, आपका मन पसंद का हिसाब से आप यहाँ पर रख सकती है। नीचे पर जो क्रिएट वाला जो बटन यहाँ पर क्लिक कर देती है तो आपको जो इंटरफेस है ये यहाँ पर आ जाती है। सिंपल सा प्लस जो आइकॉन है यहाँ पर क्लिक करके आप कोई भी मीडिया फाइल को आप यहाँ पर इनपुट कर सकता है। हम कोई भी एक मीडिया फाइल को यहाँ पर इनपुट कर दूंगा। इनपुट करने के बाद यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर ऑप्शन दिखाई देती है, स्पीड का, कलरफुल बैकग्राउंड शो, बहुत सारे यहाँ पर फीचर्स वगैरह मौजूद है और यहाँ पर बहुत सारे इफेक्ट वगैरह भी दिया हुआ है। तो चलिए एड इफेक्ट पर क्लिक कर देते तो यहाँ पर देख सकते है कितना सारे इफेक्ट यहाँ पर मौजूद है, बहुत ही पॉपुलर इफेक्ट यहाँ पर मौजूद है, आप आसानी से यूज कर सकती है और एक बहुत ही पॉपुलर एक वीडियो एडिटिंग ऐप है। ओके दोस्तों, इसके बारे में मैं और ज्यादा नहीं दिखाऊंगी क्योंकि वीडियो काफी बड़ा नहीं करना चाहती हूँ। तो आप डिस्क्रिप्शन पर लिंक है वहाँ पर जाके आप इसको इंस्टॉल करके आसानी से इसको सारे फीचर्स वगैरह को आप आसानी से देख लीजिए। ओके दोस्तों, नंबर 3
दोस्तों इस ऐप का नाम है स्प्लिट क्लाउड। दोस्तों ये जैसा नाम है उसका काम भी है। इस ऐप्स का जो काम है ये है, आपका ईयरफोन लगा रहती है कान पर, दोनों कान पर दोनों सॉन्ग्स को आप प्ले करके सुन सकता है। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड किधर घूमने के लिए गया है तो वहाँ पर आपका पसंद का गाना उसका पसंद नहीं आ रही है तो उसी टाइम आप उसका मर्जी का गाना वो प्ले करके सुन सकता है। आपका कान पर जो ईयरफोन लगा हुआ है तो आपका पसंद का गाना आप सुन सकती है, तो दोनों ईयरफोन पर दोनों सॉन्ग्स को आसानी से प्ले कर सकती है। तो सिंपल से यहाँ पर क्लिक कर दीजिए और यहाँ पर बहुत सारे म्यूजिक यहाँ पर दिया गया है, तो कोई भी आपका पसंद का एक चूज कर लीजिए। उसके बाद फिर से और एक जो आपका फ्रेंड का उसका पसंद का गाना कोई भी एक चूज कर लीजिए। ओके दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकता है दोनों सॉन्ग्स को एक ही साथ पर प्ले करके आप दोनों ईयरफोन पर चला सकता है। दोस्तों इस जो ऐप है बहुत ही अच्छा कमाल का एक ऐप है और हमको तो बहुत ही पसंद आया। इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन पर है, वहाँ पर जाके आप इसको आसानी से इंस्टॉल कर लीजिए, ज्यादा एमबी का नहीं है ये। उम्मीद करते जो आपको भी बहुत ही पसंद आएगी। नंबर 4 दोस्तों, इसका नेम है टेम्प मेल। ये अनलिमिटेड आपको ईमेल प्रोवाइड करेगी। ये जो ईमेल दिखाई दे रही है इसके द्वारा आप कोई भी वेबसाइट पर रजिस्टर कर सकता है, चाहे तो अपना फेसबुक पर फेक अकाउंट बना सकता है, अनलिमिटेड अकाउंट भी बना सकता है, चाहे जिस वेबसाइट पर अपना पर्सनल ईमेल आईडी नहीं देना चाहती है तो उस वेबसाइट पर आपको इस ईमेल आईडी को यूज करके आप ओटीपी भी मंगा सकते हैं। नीचे पर इनबॉक्स दिया है तो वहां पर आपको ओटीपी भेजा जाएगी। ओके दोस्तों, चाहे तो आप यहाँ पर कॉपी भी कर सकते हैं और इसको अनलिमिटेड चेंज कर सकती है और यहाँ पर आपको बार कोड भी दिखाई देती है। नंबर 5 दोस्तों, इस ऐप का नाम है हर्मिट। तो दोस्तों ये जैसा नाम है वैसा काम भी है। ये एक बहुत ही यूजफुल ऐप है। हम क्यों इसको यूजफुल बोल रहा है आप खुद ही देख लीजिए। सिंपल सा दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारे ऐप यहाँ पर दिखाई देती है, तकरीबन 500 तक होगी, जिसको हम लोग रेगुलर यूज करती है। मान लीजिए फेसबुक, गूगल मैसेंजर, ट्विटर, इंस्टाग्राम, बहुत सारे ऐप यहाँ पर मौजूद है। तो दोस्तों इसको आप आसानी से अपना मोबाइल पर होम स्क्रीन पर लेके जाके भी यूज कर सकती है। अगर मान लीजिए इतना सारे जो 500 ऐप यहाँ पर मौजूद है, इसको अगर हम लोग पार्टिकुलर सिंगल सिंगल करके प्ले स्टोर से इंस्टॉल करती है तो आपका फोन मेमोरी का जो स्टोरेज है ये कितना एमबी होना चाहिए आपको खुद ही पता है। इस जो हर्मिट जो ऐप है ओनली 3 MB का है। इतना सारे 500 तक ऐप यहाँ पर आप आसानी से मिल जाती है, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर Amazon, Flipkart बहुत सारे यहाँ पर दिखाई देती है। और सिंपल सा कोई भी एक पार्टिकुलर ऐप को यहाँ पर क्लिक करते तो होम स्क्रीन पर अलाउ कर देती है तो आप इस जो ऐप है ये आपका मोबाइल पर होम स्क्रीन पर चला जाती है और वहां से आप डायरेक्टली इसको ओपन करके यूज कर सकता है। तो हमको तो बहुत पसंद है दोस्तों। तो आपको कैसा लगा ऐप को तो जरूर कॉमेंट पर बताइए। इसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन पर डाल दिया है, वहाँ पर जाके इसको चेकआउट कर सकता है। तो दोस्तों आज का वीडियो इतना तक ही है। अगर आपको इस वीडियो पसंद आया तो जरूर एक लाइक कर दीजिए। मेरा चैनल पर आप अगर नया वीडियो देख रहे हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साइट पर आने वाला बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए, क्योंकि जब भी हम वीडियो को अपडेट करती है तो तुरंत आपका मोबाइल का नोटिफिकेशन पर आपको मिल जाएगी आसानी से। तो दोस्तों फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पर।